नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड। एक बार फिर से आप सभी लोगों की खिदमत में मैं कुछ पलटे की वीडियोस लाया हूं, कुछ थोड़े छोटे मोटे पलटे मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, इस बार मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मैं कुछ बता रहा हूं पलटे, ये आप लोग सुनिए और जैसे जैसे मैं बोलता रहा साथ में आप गाते भी रहिए तो बहुत मजा आने वाला है। मेरा जो स्केल है सी शार्प है। जिस राग में मैं पलटे बताने वाला हूँ वो है राग शुद्ध बिलावल, क्योंकि ये शुद्ध सुरों का राग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले तो हम लोग सा लगाएंगे, सा सबसे पहले आप जो है वो सरगम लिखिए, ग रे ग प म ग रे सा, ग रे ग प म ग रे सा, सारे स्वर शुद्ध, कोई भी कोमल नहीं या तीव्र नहीं। ग रे ग प म ग रे सा, फिर से बोलिए, ग रे ग प म ग रे सा। अब मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट भी करते रहे, मैं हारमोनियम बजा रहा हूं। इसको कम से कम 10 से 15 बार आप लोग गाएं, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पा धा पा मा गा रे सा, पा धा पा मा गा रे सा, पा धा पा मा गा रे सा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, देखिए, गा रे गा प म ग रे सा, पा धा प म ग रे सा, गा रे गा प म ग रे सा, पा धा प म ग रे सा। इसको आप 15-20 मरतबा जितना आप लगाना चाहें अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन इसी चीज को आप लोग आकार में भी गाएं, देखिए, तो ये कैसे बनेगा, गा रे गा प म ग रे सा, प धा प म ग रे सा, गा रे गा प म ग रे सा, प धा प म ग रे सा। अब आगे सा रे गा प म ग रे सा, मेरे पीछे रिपीट करिए, लगा देंगे सा रे रा पा, सा रे धा पा मा गा रे सा, सा रे रा पा मा गा रे सा, गा रे गा पा मा गा रे सा। देखिए फिर से, सा रे रा पा मा गा रे सा, गा रे गा पा मा गा रे सा, सा रे धा पा मा गा रे सा, गा रे गा पा मा गा रे सा, सा रे गा पा मा गा रे सा, गा रे गा पा मा गा रे सा। कैसे बनता है, सा रे गा पा मा गा रे सा, गा रे
ये हो गई दूसरी आपकी एक्सरसाइज। तीसरा देखिए फिर से हिसाब से 15 बार 20 बार सरगम में 15 20 बार आकार में ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब आइए आपकी चौथी एक्सरसाइज। तो ये मैं चार एक्सरसाइजेस आपको दे रहा हूं। इसमें भी जो है अगर आप रेगा रेसा नीदापा सानी दापा मागा रेसा जा रहे हैं तो याद रखिएगा इसको गाने का कोई फायदा नहीं अगर आपने रेगा रेसा नीदापा की जो चाल है यानी कि रेगा रेसा हल्के गले से गाइएगा रेगा रेसा नीदापा सानी दापा मागा रेसा। ये कुछ मंत्र सप्तक के मध्य सप्तक के और तार सप्तक के जो है कुछ एक्सरसाइज है। हालांकि मैंने अभी मंत्र सप्तक का कुछ बताया नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा कि मंत्र सप्तक के स्वरूप पे कैसे रियाज करें। लेकिन मध्य सप्तक और तार सप्तक की कुछ छोटी सी ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी। इसका लाभ यही है कि अगर आप इनको जोड़ देते हैं रेगा रेसा नी दापा सानी दापा मागा रेसा और जो मैंने पहले लिखवाया है आपको क्या होता है इसी से ही ना धीरे धीरे आपकी तानों की बनाने की जो क्षमता है वो दिमाग में बैठेगी। मैंने अभी भी बोला कि तान जो है लोग कहते हैं सर हम कुछ बना ही नहीं पाते हम इंप्रोवाइजेशन कैसे करेंगे। इंप्रोवाइजेशन की आप लगा लेंगे इंप्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज है सारे गामा पादा नीदा नीदा पामा गरे सा है। अब इसमें मैं कुछ और भी जोड़ूंगा रेगा मा पा दा नी दा नी दा बा मा गा रे सा गा रे गा पा नी दा नी दा रे दा नी दा बा मा गा रे सा पा मा गा रे मा गा रे सा सा नी दा बा सा रे दा नी दा बा मा गा रे सा सा गा रे गा पा नी दा नी दा गा रे दा रे दा नी दा बा मा गा रे सा है ना। हम सुरों से खेल रहे हैं सारे गा मा पा दा नी दा सा नी दा बा मा गा रे सा। अब हम चाहे तो गा से भी गा सकते हैं गामा पारा नी दा सा नी दा बा मा गा रे सा। मैं क्या कहता हूं कि सानी दापा मागा रेसा जो अवरोह में है वो सेम रखिए लेकिन धीरे धीरे जो है तान कंपोज करना सीखिए गामा पा दा नी दा नी दा बा मागा रेसा। अब आप बोलिए कि धैवत से बनानी यानी कि दा दा बा मागा रेसा सानी दा बा मागा रेसा एक नई तान बनी नी से बनाई नी दा बा मागा रेसा सानी दा बा मागा रेसा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक छोटा सा नमूना पेश करने की कोशिश करी है।
ये एक्सरसाइज को ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप सभी लोगों को जो है वो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो वैल्यूएबल लगी होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा रोजाना वीडियोस डालते रहेंगे। और हाँ, हमने कुछ गायक लोगों की भी वीडियो डाली है जो मान गिने जाने बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उन सभी की वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं और हम धीरे धीरे अपना और सोशल मीडिया पे जो है वो चैनल बढ़ाते रहेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों के लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज आपके लिए डालते रहें, और वो भी सिंपल भाषा में। मिलता हूँ आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।